नारायणपुर कस्बे के समीपवर्ती बीएड कॉलेज के पास हरी लकड़ी काटकर ले जाती हुई महिलाओं के खिलाफ वन कर्मियों ने महिलाओं को पकड़ा है और महिलाओं से हरी लकड़ी काटने का सामान भी जब्त किया है। बीट प्रभारी नारायणपुर महेंद्र चौधरी ने बताया कि हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीएड कॉलेज के पास के जंगलों से महिलाएं हरी लकड़ी काटकर ले जा रही थी, जिसकी सूचना पाकर बीट प्रभारी महेंद्र चौधरी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बीएड कॉलेज के पास से हरी लकड़ी लेकर गुजर रही महिलाओं ने वन कर्मियों की टीम को देखकर रुक गई और वन कर्मियों ने महिलाओं से हरी लकड़ी व लकड़ी काटने का सामान मौके पर जब्त कर लिया। महिलाओं का कहना है कि साहब, हम तो खाने पकाने में सर्दियों में बच्चों को गर्म पानी करने के लिए यह लकड़ी काट कर ले जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मजबूर होकर आना पड़ता है। अगर आप कहते हैं तो हम आगे से नहीं आएंगे, लेकिन साहब इन दिनों क्षेत्र में हरे पेड़ काटे जाने का गोरख धंधा माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी भनक क्षेत्र के पुलिस के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारी को भी है, लेकिन हरे पेड़ काटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो शाम के समय अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई करके मुख्य सड़कों पर बेझिझक होकर मुख्य मार्ग से होते ट्रैक्टरों में धड़ल्ले से लकड़ी भरकर ले जाते हैं, लेकिन दबाव आने पर ही हरे पेड़ काटने वालों की बजाय हमारे जैसे हरी लकड़ी काटने वाले गरीब आर्थिक स्थिति वाले लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है। वहीं घाटा रेंज बीट प्रभारी ने कहा कि अगर क्षेत्र में इस तरह से हरे पेड़ काटने का गोरख धंधा माफियाओं के द्वारा, तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जंगल गश्त के दौरान नारायणपुर क्षेत्र में जो अवैध कटान कर जाने वाली महिलाओं को रोका और उनसे जैसे जंगल कटान को रोकें और जो अपना वन है उसकी सुरक्षा में सहयोग दे, ग्रामीणों को समझाए, इसके ग्रामीणों से सहयोग मांगा, सभी ने सहयोग देने की बात कही है और आगे से सभी मिलकर के जंगल की सुरक्षा को और अच्छा करेंगे और इस कटान वगैरह को रोकेंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और बन्नाराम मीणा को पार्टी का सिंबल सौंपा है। जानकारी के अनुसार बसपा पार्टी ने चेयरमैन बन्नाराम मीणा को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रत्याशी बनाकर गुरुवार को देर रात्रि प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद व राजस्थान प्रदेश प्रभारी हाजी मुख्तार अली, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम मेघवाल, बसपा नेता शेर मोहम्मद, रामगढ़ से बसपा प्रत्याशी मगन मीणा सहित वरिष्ठ बसपा नेताओं की उपस्थिति में बन्नाराम मीणा को पार्टी का सिंबल सौंपा गया। उधर बन्नाराम मीणा को बसपा सिंबल मिलने की सूचना के बाद चेयरमैन बन्ना मीणा के समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की। गौरतलब है कि चेयरमैन मीणा को विधानसभा क्षेत्र में लोगों का खासा समर्थन मिल रहा है। इस बार क्षेत्र के लोग भी बन्ना मीणा को विधायक बनाने का मन बना रहे हैं। जैसे जैसे जो जो विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बन्नाराम मीणा के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं। थानागाजी के लोगों ने हेमसिंह भड़ाना का टिकट पार्टी द्वारा काटा जा रहा है, इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जयपुर के लिए रवाना हुए और मंत्री हेमसिंह भड़ाना को टिकट देने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे मंत्री हेमसिंह भड़ाना का पार्टी द्वारा टिकट काटने की खबर आ रही है। इसी को लेकर थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री रहे हेमसिंह भड़ाना थानागाजी से दो बार लगातार विधायक भी रहे हैं, फिर भी पार्टी द्वारा इनका टिकट काटा जा रहा है। अगर हमारे क्षेत्र में इनका टिकट काटा गया, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ हेमसिंह भड़ाना के अलावा किसी और उम्मीदवार को थानागाजी विधानसभा से पसंद नहीं करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हेमसिंह भड़ाना को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, तो हम दूसरे उम्मीदवार का खुला विरोध करेंगे। जोधपुर में सूरसागर विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी सूर्यकांत व्यास जीजी का जोधपुर के चांदपोल के लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने उनका पोस्टर गधे पर बिठाकर रैली निकाली।
जोधपुर के चंदोल स्थित आसपास के लोगों ने सूरसागर विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी की उम्मीदवार सूर्यकांता व्यास जीजी के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में काफी युवा शामिल थे। युवाओं ने रैली के दौरान नारे लगाए, बीजेपी से बैर नहीं, जीजी तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगाए। वहीं लोगों का कहना है कि जीजी को 5 बार जिताकर विधानसभा भेजा और उनकी उम्र 80 के पार हो गई है, लेकिन फिर भी जीजी ने सूरसागर विधानसभा के युवा वर्ग के बारे में नहीं सोचा। युवा वर्ग के लोगों की मांग है कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया है, यहाँ के युवाओं को टिकट नहीं देकर युवा वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया है। इसी के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से जीजी के विरोध में रैली निकाली। रैली में जीजी के पोस्टर को गधे पर बिठाकर युवा वर्ग के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य सागर से उम्मीदवार सूर्यकांता व्यास का टिकट देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। कठुमर के गांव रेटी में भाजपा प्रत्याशी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में बाबूलाल मैनेजर को प्रत्याशी घोषित करने पर नाराजगी जताई। विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल मैनेजर का पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। इसी को लेकर कठुमर के गांव रेटी में भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया, साथ ही पुनः विचार करने के बारे में कहा गया। क्षेत्र के गांव रेटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह के आवास पर मीटिंग का आयोजन किया। वहीं लोगों ने कहा कि जो बीजेपी ने जो सूची जारी की है इससे प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं लोगों ने कहा कि जो पार्टी से जुड़े हुए 5 कैंडिडेट हैं उनको पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और जो 2 महीने पहले ही पार्टी में आया उसको टिकट दिया गया है। इसी को लेकर हम विरोध करेंगे। पार्टी की ओर से बाबूलाल मैनेजर को प्रत्याशी घोषित करने पर नाराजगी व विरोध जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा की। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा टिकट पर पुनः विचार करने के बारे में कहा गया। इस दौरान राजेंद्र धोबी, मुन्नी देवी, रूप नारायण सागर, राजेश जाटव, कल्लाराम गर्ग, सुनील गोयल, नरेंद्र गुप्ता, सुमेर सिंह ईरानी, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष शेर सिंह मीना सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाटव कठुमर से। मैं 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं। मैंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। मैंने पार्टी की सेवा करने के लिए 2008 और 2013 में भी टिकट मांगा था। जो भी प्रत्याशी हमारे 4-5 थे मूल, उनको वंचित करके एक ऐसे प्रत्याशी को हाई कमान ने टिकट दिया, इसका हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जो कि एक वो जो प्रत्याशी है उनको ये मालूम नहीं कि आज हमारे जिले का भाजपा पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है, उसका नाम क्या है। मैं कल्लाराम गर्ग, पार्षद, नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका खेड़ली एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष मंडल खेड़ली। आज जो टिकटों का वितरण का कार्य संपूर्ण हुआ है, सूची जारी हुई है, इससे प्रत्येक कार्यकर्ता इसलिए आहत है कि जो पार्टी से जुड़े हुए 5 हमारे कैंडिडेट थे उनको किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के जन्मोत्सव से पूर्व प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में सिखों के गुरु गुरु नानक देव के जन्मोत्सव की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी को लेकर जन्मोत्सव से पूर्व प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। गुरु नानक के जन्मदिन को लेकर सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि 23 नवंबर को गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाएगी। इसी को लेकर गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली, जो कस्बे का भ्रमण कर गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। प्रभात फेरी के दौरान सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रभात फेरी के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। सिख समाज के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती से पूर्व कस्बे में प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में सिख समाज के महिला एवं पुरुष भाग ले रहे हैं। हम इन लोगों से रूबरू होंगे कि इनकी प्रभात फेरी का क्या उद्देश्य है और कितने दिन पूर्व ये शुरू करते हैं और कब से चल रही है और कब तक चलेगी। ये श्रीमान जी उद्देश्य है कि हमारे सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के जन्म प्रखा उत्सव है। हमारी सिख संगत जो है वो कस्बे गोविंदगढ़ को पवित्र करने के लिए उनके जन्मदिन से पूर्व 11 दिन पहले हमारे
कम से कम नहीं तो 500 से लेकर 1000 की जनसंख्या में सिख समुदाय के यंग बच्चे बच्चियां हमारी माताएं बहनें सब हमारे साथ एकत्र होकर इस पालकी के संग चलती हैं और गोविंदगढ़ कस्बे को 11 दिन पूर्व पवित्र करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको एक अच्छे संस्कार दिए जाएँ, उनको एक गुरसिक्खी के विषय में। ऐसा क्या कारण है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं? ऐसा है जी, हमारे सिख धर्म में जितना ही प्रयास पुरुषों का होता है धर्म के प्रति, उससे अधिक प्रयास जो है वो महिलाओं का होता है। हम लोग सिख धर्म से हैं और हमारी सिख धर्म का इतिहास है कि जितनी गुरसिक्खी हमारे सिख धर्म ने निभाई है उसमें उतना ही जो अधिकार है वो महिलाओं का है। हमारी महिलाएँ बहनें अमृतधारी होती हैं, गुरसिख पंथ से जुड़ी होती हैं, गुरबानी से जुड़ी होती हैं। वो अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देने के लिए जितना एक माँ का अधिकार होता है वो प्रभात से समय उठकर 3 बजे से हम लोग गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रामगढ़ रोड विखे से निकलते हैं। पूरे शहर को पवित्र करते हुए जगह जगह पर हमारे सिख समुदाय के लोग हमारी पालकी का स्वागत करते हैं, उनके लिए नाश्ता चाय पानी की व्यवस्था करते हैं और वहाँ पर बैठकर गुरु के कीर्तन होते हैं, अरदास होती है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है, हमारी संगत बड़ी प्रसन्न होती है और गोविंदगढ़ की जितनी भी सर्व जाते हैं वो हमारा सम्मान करती हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 23 नवंबर को एक महान पर्व मनाने जा रहे हैं और हमारे जो है 550 साल जो है ये श्री गुरु नानक देव जी का महापर्व है और हमारे पूरे गोविंदगढ़ की इलाके की समस्त संगत जो है हमें सहयोग करती है। प्रभात फेरी का सही मतलब तो ये है कि सभी एकजुट होकर, सभी युवा संगठन एकजुट होकर मतलब प्रभात फेरी के साथ अपना आवागमन करें, वाहेगुरु जी का नाम जपते जाएं, तो इससे क्या है कि मनुष्य के अंदर की जो वैर भावना होती है वो मिट जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि दिल जग चानन होगा, जैसा कि तुम जग चानन ये है, इससे अर्थात ये है कि मतलब जिस तरीके से ये पृथ्वी में अंधकार फैला हुआ है अपने चरणों का स्पर्श कराकर श्री गुरु नानक देव जी ने इस पर प्रकाश डाला था और जीवों का उद्धार किया था। तो इसी विषय में ये सबसे मैं नौजवान सेवा दल से ये कहना चाहूँगा कि आप भी नाम सिमरन करो और वाहेगुरु जी का नाम जप कर धन्य धन्य हो जाओ, क्योंकि वाहेगुरु जी के नाम के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म किसी को भी लड़ना नहीं सिखाता, धर्म एकता और अखंडता करना सिखाता है। सभी को मेरा ये संदेश है कि सबको, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म से ऊंचा उठ के मानवता की जो सच्ची सेवा है वो मानवता की सेवा है। गुरु नानक देव जी ने बोला था, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कवन भले को मंदे। ये संदेश को मुख्य रखते हुए हिंदू मुस्लिम सिख आदि जितने भी धर्म है सभी धर्मों का सिख धर्म सम्मान करता है और सभी धर्मों के लोग गोविंदगढ़ के अंदर इस प्रभात फेरी का स्वागतम करते हैं और इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी मनीष जैन ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय से चलकर थानागाजी रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में शुक्रवार को नामांकन का 5वां दिन था, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी मनीष जैन ने अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से SDM कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नेताओं के साथ हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए, जो ढोल बाजे के साथ नाचते गाते नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष जैन ने दूर दराज से आए समर्थकों को पहले संबोधित किया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर रीति नीति के बारे में अवगत कराया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष चंद्र सिंह शेखावत ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा भरी गई आमजन की 20 घोषणाओं को पढ़कर सुनाया और आश्वासन दिया कि सत्ता आने पर सभी घोषणाओं को संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। चंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादों की तरह लुभावने वादे जुमले नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जाने वाले वादे पूरे होंगे, जुमले नहीं होंगे। वहीं दौसा लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने लोगों से अपील कर समर्थन मांगा और कहा कि आप सब तैयार हो तो हाथ ऊपर करके बताएं कि मनीष जैन को फॉर्म भरवा जाए या नहीं। दूर दराज से आए सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ ऊपर खड़ा करके फॉर्म भरवाने के लिए समर्थन दिया। अलवर शहर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय पूनिया ने नामांकन दाखिल किया। अजय पूनिया अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। अजय पूनिया ने कहा कि दोनों ही पार्टी केवल जनता को लूटने का काम किया है।
चुनाव के समय इन पार्टियों के नेता जनता से झूठा वादा करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। जनता आज भी पानी, सड़क, बिजली जैसी जरूरत की चीजों से परेशान है। पूनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में करके दिखाया है वह कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। दिल्ली की सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। दिल्ली में लोगों को फ्री पानी मिलता है व कम दाम में बिजली मिलती है। प्रत्येक वार्ड में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार का शासन है व राज्यपाल दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं है। अलवर में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र से मिलने के लिए लोगों को जेल में बंदी से मिलने की तरह इंतजार करना पड़ता है। वे राजा हैं या जनता के सेवक, जेल की तरह 13 फुट ऊंची दीवारों के अंदर महल में रहते हैं। पार्टी के नेताओं को मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे यह लोग आम जनता की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो वहीं भाजपा के विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल ने इस शहर को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। उन्होंने केवल अपनी जेब भरने का काम किया है, जबकि जनता आज भी स्थानीय मुद्दों को लेकर परेशान है। जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। आम आदमी पार्टी ने सिंह द्वार अलवर में नॉमिनेशन की शुरुआत की है। इसी तरह से पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, वह अपनी सरकार बनाएंगे। मैंने आज अलवर शहर विधानसभा 66 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन अपने मित्रों के साथ दर्ज किया। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे आपके चुनाव? क्या एजेंडा रहेगा आपके चुनाव? देखिए, हमारे लिए उदाहरण है दिल्ली का शासन। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किया है, पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिल्ली को प्राप्त नहीं है, उसके पश्चात भी केंद्र सरकार पूरी तरह उनके खिलाफ है, उपराज्यपाल उनके खिलाफ रहते हैं, उसके पश्चात भी उन्होंने जो चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। पानी माफ, बिजली हाफ। राजस्थान की सरकार, हम राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन करते हैं, दिल्ली सारी बिजली खरीदती है, उसके पश्चात भी राजस्थान से 3 गुना सस्ती बिजली आम जनता को मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है दिल्ली के अंदर। उसके बाद में आप आइए शिक्षा में। शिक्षा की स्थिति यह है कि वर्तमान में दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी है। और अब तो उन्होंने एक व्यवस्था और कर दी कि भाई आप अपने स्कूल में सारे स्कूलों के जितने भी कमरे थे सब में CCTV कैमरे लगवा दिए और उनको जो है अभिभावक के मोबाइल से जोड़ दिया। आप किसी भी समय पर ये देख सकते हो कि मेरा बच्चा किस कक्षा में है, उसको पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मतलब जो एक आदमी को तसल्ली रहती कि हाँ मेरा बच्चा सुरक्षित है, तो दिल्ली को छात्रों को जो पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे थे कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं बच्चियों के साथ में हुई थी, बच्चों के साथ में हुई थी, उन सबको देखते हुए अब अभिभावक अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की भाई स्कूल में और सारी जगह पर वो सुरक्षित है। आप इसी तरह से स्वास्थ्य को देख लीजिए, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं जो समस्याएं आम जनता से जुड़ी हुई, जो समस्याएं थी, जो वादे थे, उन्होंने पूरे किए। सवाल ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, ये बारी बारी से जब भी दोनों सरकारें आई हैं तो दोनों ने एक ही काम किया है। आए हैं राजस्थान में चुनाव के समय जनता के जज्बातों को, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट कर और लोगों के वोटों को लूटा है। और जो सत्ता में आया उसने 4.5 साल तक जनता को लूटा है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। और जो विपक्ष है उसने अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, वो 4.5 साल तक ये इंतजार करता रहा कि कब सरकार बदले और हम लूटने का काम शुरू करें। मतलब दोनों पार्टियां पूर्णतः लुटे रही है। राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि तीसरे मोर्चे के रूप में समय समय पर अगर कुछ लोग आए तो विभिन्न छोटे छोटे इलाकों से आए, कभी सवाई माधोपुर धौलपुर से आए, कभी पश्चिमी राजस्थान से आए। लेकिन आज ये राजस्थान के सिंह द्वार अलवर में मैं आपसे सभी पत्रकार बंधुओं से, मैं चुनौती से आप लोगों से दावा करता हूँ कि राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ी होगी। और उसका आगाज हमने राजस्थान के चुनाव से कर दिया है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी जो है एक आंदोलन है, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक आंदोलन है। तो जितने भी राजस्थान में आंदोलनकारी लोग रहे हैं, हमने भी पिछले 14 सालों से इस नगर परिषद के माध्यम से लड़ाई लड़ी है। आज मैं वाकिफ हूँ इस नगर परिषद के माध्यम से रिसलवर की शहर की हमारे पानी की क्या समस्याएं, हमारी बिजली की क्या समस्याएं, हमारी सीवरेज की क्या समस्याएं, उनका समाधान क्या है। ये दोनों पार्टियां समस्याओं को लटका के रखती हैं, उनका समाधान नहीं रखती। हम समस्या का समाधान करते हैं जिससे उसका जनता को माकूल उसका फायदा मिले। तो हमारा यही है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो समस्याएं हैं, जो विपदाएं हैं, जो आफतें हैं, और ये जो लोग हमारे जज्बातों के साथ खेल के जो हमारे वोटों को लूटने का काम करते हैं, उनसे हम रोकेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान के अंदर सच्चे रूप में, जिसको हम कहते हैं
विकास की हम बात नहीं करेंगे, विकास का हम काम करेंगे। वर्तमान में तो देखिए स्थिति हो गई कि पिछले 5-4 सालों से तो लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना बंद कर दिया। तो हमारी कहना यही है कि हम केवल कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर कहानियां गड़गड़ के लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे व्यवस्थाओं में। हमारा जो है, अब आप देखिए अपने शहर की हम बात करें तो पिछले 20 सालों से, 10 साल पहले भंवर साहब आए तो उनको हमारी समस्याओं का ही नहीं पता था। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूं कि हमको किसी जेल में बंद कैदी से मिलना हो तो सबसे पहले हम कैदी से जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी देंगे, वो अंदर भेजेगा, फिर वहां से अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलन होगा वो तय करेगा। यही भंवर साहब की स्थिति है, आप वहाँ स्लिप दो, वो अंदर स्लिप भेजेंगे, फिर वहाँ से अनुमति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भंवर साहब की स्थिति तो आप हमारे समझ में नहीं आते, वो राजा हैं या कैदी हैं? 13 फुट की दीवार के अंदर रहने वाले वो राजा हैं, हम इन अलवर की सड़कों के, अलवर की जनता ने भोगा है, पैसे से या किससे सुविधा से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया था उसको पिछले 10 सालों तक उसने अलवर की जनता की जो जज्बात थे उन जज्बातों की हत्या कर दी। और आज अगर निकल के आए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना संजय शर्मा को बताया है तो 2,45,000 जो अलवर में मतदाता है, मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से कि इन 2,45,000 मतदाताओं से अगर वो किसी 45 मतदाता के भी काम आए हों तो बता दें, उन्होंने किसी भी महकमे में आम जनता के काम के लिए कभी कोई चिट्ठी लिखी हो तो वो बता दें, किसी भी आंदोलन में वो कहते हैं कि मैं 26 साल से राजनीति हूँ, इन 26 सालों की राजनीति में अगर 6 बार भी किसी आंदोलन में उतरे हों, अपनी पार्टी का मूवमेंट अपने घर सब चलाते हैं, सब अपने घर का जुगाड़ करते हैं कहीं ना कहीं से, तो आप अपनी पार्टी में चला रहे हो लेकिन आम जनता के लिए आपने क्या किया, वो स्थिति उन लोगों को अनुभव नहीं है। हमारा कहना है कि दोनों पार्टियों ने पिछले 20 सालों में अलवर के अंदर प्रत्याशी थोपे और हमने उनको थोपे हुए प्रत्याशियों को चुन लिया। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आए, आके जरा एक एक मोहल्ले की एक एक गली की समस्याओं के बारे में बताएं तो सही, क्यों नहीं पटरी के पार में एक भी सरकारी स्कूल है, क्यों नहीं वहाँ पर जो है कि एक भी आज तक जो है स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, तो इतनी हमारी छोटी छोटी होप सर्कस पे आप चले जाइए, होप सर्कस पे क्यों नहीं एक जो है मल्टी स्टोरी जो पार्किंग, आए दिन पार्किंग की जाम लगा रहता है। तो इन लोगों के पास में मुद्दे नहीं है, समस्याएं नहीं है, इन लोगों को समाधान तो जब करेंगे जब इनको समस्याओं के बारे में जानकारी होगी। हमारा ये कहना, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जनता की जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं से हम पूर्णतया वाकिफ हैं और उनका समाधान हमें पता है। पानी के लिए 48 डिग्री सेल्सियस में महिलाएं जो हैं मटके फोड़ती हैं, लोग एसी में सोते रहते हैं, जनता उनके डंडे मारती है, मुकदमे लगाती है, एसी में सोए पड़ते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा जैसमंद सूख गया इन्हीं नेताओं की वजह से। अगर नटनी के बारा से हमारा जो भरतपुर से जो समझौता था उस समझौते के हिसाब से पानी हमको मिलता रहता, जैसमंद भरा रहता, अलवर में पानी की किल्लत ही नहीं आती, लेकिन ये लोग सपने बेचते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम चंबल का लाएंगे। अब चंबल का भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई चंबल का पानी कहीं नहीं जाएगा, मगर मच्छर जाएंगे। अब ये नई चीज ले आएंगे कि भाई हिमालय से जो है ग्लेशियर पिघला के आपको पानी लाएंगे, मतलब समस्याएं खड़ी करना, उत्पन्न करना, उनका समाधान तो इन लोगों के पास में है ही नहीं। तो हमारा तो ये कहना है, आज हमने नॉमिनेशन किया आम आदमी पार्टी में और राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से हमने ये आम आदमी पार्टी के नॉमिनेशन का आगाज किया। आज अलवर की सड़कों पर नौजवान उतर के आया, निकल के आया, हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हमारे पास में कोई जाति नहीं है। अब इन चुनाव में वर्तमान में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस शहर के अंदर इतना मतलब पड़ोसी को शंका की दृष्टि से देखने की नौबत ला दी, जाति के नाम पर खड़ा कर रखा है पिछले 15 दिनों से, टिकटों का बंटवारा पूर्णतः ये करेंगे वो कौन किस जाति का कौन, आप उसका काम दे देखो उसने काम क्या किया, पैसों से तोलते हो, जाति से तोलते हो, चापलूसी से तोलते हो। तो इन सारी चीज़ों का हम विरोध करें, हमने लड़ाई लड़ी है और मुझको विश्वास है अलवर की जनता पर कि जो पिछले 26 सालों से और 14 सालों से नगर परिषद के माध्यम से इनके हक की लड़ाई के लिए, इनके हकूक की लड़ाई के लिए ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से शहर की जनता की सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल आने वाली 7 तारीख को अलवर की जनता झाड़ू पे खटका दबाएगी और इन सारी दोनों पार्टियों को साफ कर देगी। अलवर ग्रामीण से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रिंकी वर्मा ने एसडीएम नीलाब सक्सेना के समक्ष नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कंपनी बाग में एकत्रित हुए और शहर में मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नीलाब सक्सेना के समक्ष नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रिंकी वर्मा ने बताया कि यदि अलवर ग्रामीण में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो अलवर ग्रामीण में वह रोजगार को खत्म करने का काम करेगी और जो साफ सफाई का मुद्दा है वे 5 साल बाद देखने को नहीं मिलेगा और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जो बेरोजगार का मुद्दा है उसे जड़ से खत्म कर सकूं और महिलाओं के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगी और हमारी सरकार के द्वारा अलवर ग्रामीण में लघु उद्योग लगवाया जाएगा जिससे ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार मिल सके। सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे साथ इतना विश्वास के साथ साथ लगे और यहाँ तक मुझे पहुँचाया, आज मैंने नामांकन दर्ज कराया।
मेरी उम्मीद जनता से इतनी है कि वो मेरा साथ दे, और मैं जनता के लिए क्या देने वाली हूँ मैं उनसे बताना चाहती हूँ। जिस तरह से किसान परेशान है बिजली के लिए, उस बिजली की व्यवस्था दिन में पूरी कराएगी रिंकी वर्मा। जिस तरह से मूलभूत आवश्यकता है सड़क, पानी, नाली, उन मूलभूत आवश्यकताओं को लेके मैं एजेंडा लेके चल रही हूँ कि हर गांव, मोहल्ला, क्षेत्र में सड़क बने, नाली बने, बिजली मिले। साथ में बेरोजगार युवाओं की जो समस्या है अलवा ग्रामीण का विशेषकर, जहाँ पर 500 इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों के होते सोते भी हमारा जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उन सभी के लिए 50% की आरक्षण की मांग रिंकी वर्मा करेगी और उनको वो रोजगार भी दिलाऊंगी। जब से मेरी घोषणा हुई है दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, क्योंकि अलवर ग्रामीण की एक ही आवाज़ रिंकी वर्मा अब की बार। हमारी पार्टी हमेशा भाईचारे की बात करती है, सर्व समाज, बहुजन समाज को साथ लेकर चलने की बात करती है। पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जिस क्षेत्र में जैसी समस्याएं, उन समस्याओं को आप निदान करो, और वही हमारा पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार युवा, किसान की मार, महिलाओं के लिए बेरोजगार। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कर्नाटक बेंगलुरु से अलवर आई मारुति कंपनी की जिप्सी से नाम निर्देश पत्र भरे जाएंगे। गोपीचंद शर्मा के पुत्र ने यह मारुति को जिप्सी गाड़ी को नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अलवर भेजा है। नाम निर्देशन पत्र भरने से पहले शुक्रवार को जिप्सी को पूरी तरह से सजाया गया और उसको सम कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली ने भी निहार कर मन ही मन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गदगद देखे गए। इस मौके पर मौजूद इंटक के राजेंद्र पाल शर्मा सहित समाज सेवी गोपीचंद शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी सदव्यवहार हैं, सभी को लेकर चलने वाले हैं, इसलिए उनसे आपसी व्यवहार सदाचार है और बेंगलुरु से यह गाड़ी जिप्सी मंगाई है, उसी से नाम निर्देशन पत्र टीकाराम जूली शनिवार को करेंगे। और अलवर ग्रामीण विधानसभा ही नहीं पूरे जिले से कांग्रेस में के समर्थक इसमें शामिल होंगे और पिछले 5 वर्षों में विकास से दूर रही जनता को विकास से जोड़ने का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। ये कार्यक्रम शादी ब्याह जन्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरे टीकाराम जूली मेरे बेटे से ज़्यादा लाडले हैं, कल वो फार्म भरने जा रहे हैं और मेरे बेटे ने ये गाड़ी बेंगलोर से स्पेशली उनके इसलिए भिजवाई है ताकि भाई इस गाड़ी पर जाकर के फार्म भरे। कांग्रेस पार्टी ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली पर विश्वास जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी उपरोह की स्थिति में बनी हुई है, जिसके चलते कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी अलवर ग्रामीण से घोषित होने के साथ ही उनके समर्थक वे अन्य लोगों में उत्साह की लहर बनी हुई है और उनके निवास स्थान पर लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बधाई देने वालों में पहुंचे सभी क्षेत्र के लोगों से प्यार प्रेम से मिलने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ने सबसे पहले नारी शक्ति बालिका सशक्त रूप में एक नन्ही बालिका का मुंह मीठा कराकर उसके बाद में उन्होंने मुंह मीठा किया और आदर सत्कार सभी का ग्रहण किया। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और 8 विधानसभाओं पर मंथन चल रहा है। यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अलवर की लकीर बनती है, वहां का टिकट फाइनल हो चुका है और कांग्रेस शासन में यहां पर स्वीकृत हुए कार्य रुक गए थे, उन्हीं कार्यों को फिर से शुरू कराने के लिए सभी जाति वर्ग के लोग प्रत्याशी का टिकट फाइनल होने के साथ ही उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में बहादुरपुर, देहरा, मालाखेड़ा सहित पूरे क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्र के लोग भी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गज पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सभी की जांच करने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वे पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के आशीर्वाद से टिकट फाइनल हुआ है तथा जनता की मांग थी कि जनता का प्यार प्रेम भी टिकट देने में महत्वपूर्ण रहा और पुराने रुके हुए सभी कार्य कराने की पहल करने के लिए जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसे पूरे करने का हर संभव प्रयास करूंगा। देखिए, अलवर ग्रामीण का टिकट फाइनल होने पर मैं आला कमान को, हमारे सभी सीनियर नेताओं को, अलवर ग्रामीण की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से ये सौभाग्य मिला। अलवर ग्रामीण की जनता काफ़ी परेशान रही है पिछले 5 वर्षों से, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय गहलोत साहब के द्वारा जो बड़ी बड़ी स्कीम, आदरणीय
मनमोहन सिंह जी के द्वारा केंद्र की जो योजनाएं थी उनका लाभ आमजन को जो मिलना था वो नहीं मिल पाया, आमजन परेशान रहा। इन 5 वर्षों में जनता ने बहुत कष्ट झेले हैं, मैं प्रयास करूंगा जनता को उन कष्टों से निकालने की और युवा पीढ़ी को आगे लेके आने की, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। MIA जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका विकास हो, यहाँ पे और नई कंपनियाँ आए, बड़ी कंपनियाँ आए, जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को उसके अंदर फायदा मिले। अभी क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व यहाँ का नहीं मिल पा रहा। राजकीय मुद्रालय में अलवर सहित 3 जिलों की 22 विधानसभा क्षेत्रों की EVM मत पत्र प्रिंट किए जाएंगे। यह कार्य 22 नवंबर की रात से आरंभ होगा और 25 नवंबर रात 12 बजे तक पूरा होगा। इस दौरान मुद्रालय की 2 ऑफसेट मशीन से 24 घंटे सफाई का कार्य किया जाएगा। मत पत्रों की प्रिंटिंग के दौरान मुद्रालय का भवन कड़ी सुरक्षा की प्रहरी में रहेगा। मुद्रालय के सहायक अधीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र की मत पत्र प्रिंट करने के निर्देश मिले हैं। इनकी प्रिंटिंग की तैयारी की जा रही है। 22 नवंबर की शाम तक इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा दी गई प्रत्याशियों की सूची के अनुसार चुनाव चिन्ह के मत पत्र यंत्र ले जाएंगे। EVM मत पत्रों का काम है हमारे पास, तो ये करीब 1,35,800 के करीब है जी। तो समय पे समाप्त कर दिया जाएगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी तैयारियां पूर्ण है। कब तक प्रिंट हो जाएगा? 22 तारीख को आएगा, 25 तारीख को रात को देगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कागज हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मशीन सर्विस बिल्कुल ओके है, मशीन बिल्कुल पूर्ण तैयारी पहले कर चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकसभा चुनाव में तो एक ही उसका था, अब तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, करीब 22 विधानसभा क्षेत्र है 3 डिस्ट्रिक्ट में, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार किए हैं। चोरों ने बाइक लेकर चोपड़ा हॉस्पिटल के पास से जा रहे युवक से मोबाइल छीनकर भाग गए। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्परता से शहर में नाकाबंदी कराई। इस दौरान कोतवाली थाना की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों चोरों को मोबाइल समेत प्रताप बंद से गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि कल सूचना मिली कि एक युवक स्कीम नंबर 2 के समीप से मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा था, पीछे से बाइक पर बैठकर आए राजेश और सुनील ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इस मामले में नाकाबंदी करते हुए करनी माता प्रताप बंद से बाइक और 2 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। ये 14 तारीख की घटना है और इसमें राजेश और सुनील नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। टेहरापुर का है, ये सदर इलाके का रहने वाला है। ये मोटरसाइकिल पे एक पैदल चलने वाले व्यक्ति का अचानक मोबाइल छीन के भागे थे। ऐसी घटना पहले भी हुई थी तो इन पे हम वाच कर रहे थे, अब इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। ये मोबाइल की घटना कहाँ करी थी इन्होंने? इन्होंने की थी हॉस्पिटल के सामने, चोपड़ा हॉस्पिटल के सामने। अभी इनके पास जो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हो गया जो इन्होंने लूटा था 14 तारीख को। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।